अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए निहारी की रेसिपी लेके आई हूँ और मैं आपको बताऊंगी कौन सा ऐसा आसान तरीन तरीका है जिससे आप घर पे आसानी से निहारी को बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन में हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 1.5 कप तकरीबन मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। इसको हम गर्म कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर प्याज डालेंगे और प्याज को डाल के हमने अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। 2 तकरीबन मैंने मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस कर लिया है। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। यहाँ पे देखिए जी, प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, ये देखिए। अब मैंने इसको एक बाउल में निकाल लेना है। ये देखिए, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही इसको गोल्डन ब्राउन करना है। ज़्यादातर लोग कुकिंग ऑयल में सबसे पहले लहसुन अदरक फ्राई करते हैं, फिर गोश्त फ्राई करते हैं और मसाला डाल लेते हैं। प्याज ब्राउन करने का स्टेप वो लास्ट में करते हैं, तो मैं ये पहले कर लेती हूँ ऑयल ज़्यादा डाल के। तो ये देखिए, मैंने इसको निकाल लेना, इससे मुझे ज़्यादा आसानी लगती है। तो आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, मैंने सारे निकाल लेने हैं। फिर बचे हुए ऑयल के अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और इसको फ्राई करना है। फिर मैंने गोश्त डाल के फ्राई कर लेना है। ये देखिए, हल्के हल्के से प्याज ऑयल के अंदर ही हैं, तो मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, 2 मिनट तकरीबन इसको पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने नेशनल का दिल्ली निहारी मसाला रेसिपी मिक्स लिया है, मैं इसको यूज़ करूँगी। इसी के साथ मैं निहारी बनाऊँगी। यहाँ पे पीछे इसकी सारी रेसिपी भी लिखी हुई है, आप इसके मुताबिक भी इसको बना सकते हैं। जैसे आप लाइक करते हैं वैसे ही कर लीजिए। लहसुन अदरक के पेस्ट फ्राई होने के बाद मैं इसमें नेशनल दिल्ली निहारी मसाला रेसिपी मिक्स सारा ऐड कर दूँगी। पूरा ऐड करना है, आपने कोई भी डंडी नहीं मारनी। अब मैं इसके अंदर गोश्त ऐड करूँगी। मटन तकरीबन मैंने 2 kg लिया है। ये मछली वाला गोश्त लिया है और दूसरी साइड पे मैंने बोंगो वाला गोश्त लिया है, नली वाला। ये देखिए, तो ये मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। मसाला और गोश्त डाल के आपने इसको अच्छे से भून लेना है। 3 से 4 मिनट तकरीबन हाई फ्लेम पर आपने इसको भूनना है। जितना ज़्यादा ये अच्छा बनेगा उतनी ही आपकी निहारी मज़ेदार बनेगी, खुशबूदार बनेगी। अब इसमें पानी डालेंगे, 2 लीटर या तकरीबन 8 ग्लास इसमें पानी डालेंगे और इसको गलने तक पका लेंगे। 2 से 3 घंटे इसको पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी, 3 घंटे तकरीबन हो चुके हैं। ये देखिए, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। ये देखिए, अब मैं इसको चेक करती हूँ। आप इसे प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं, उसमें टाइम ज़रा कम लगता है। ये देखिए, गोश्त कितना अच्छा गल चुका है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें से मैं सारी हड्डियाँ निकाल लूँगी और इसका मैं सारा गुदा अलग कर लूँगी। हड्डियों का अब कोई काम नहीं है, इसकी पकाई हो चुकी है। सारी को रिमूव कर लेंगे, इसमें से सारा गुदा मैंने अलग कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी, सारा मैंने गुदा अलग कर लिया है। ये देखिए, सारा अलग हो चुका है। इसको मैं लास्ट में ऐड करूँगी। अभी हम इसकी पकाई करेंगे और ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप तकरीबन गंदम का आटा लेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे आधा कप। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। तो ये देखिए, ऐसे बॉयल आते हों तो फिर आपने इसमें आटा घोल के ऐड कर देना है। अगर आप ज़्यादा गाढ़ी पसंद करते हैं तो आप इसमें और भी आटा डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इतना ही ऐड करूँगी क्योंकि अब इसकी और ज़्यादा पकाई होगी। तो इसको अच्छे से हम हाई फ्लेम पर मिक्स करते हुए चमचा चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। निहारी बनाने के 2 से 3 तरीके हैं, लेकिन ये वो वाला है, ये जो कि सबसे आसान है। इसमें टेस्ट और खुशबू सबसे ज़्यादा आएगी।
और सबसे बढ़कर ये एक ही बर्तन में निहारी तैयार हो जाएगी, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब इसे हाई फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट पका लेंगे। ऐसे आपने चम्मच चलाते रहना है। मज़ेदार निहारी की खुशबूएं आ रही हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। नेशनल पैक की निहारी तो इसकी रेसिपी सबसे आसान होती है और ये सबसे मज़े की बनती हैं। खुशबूएं भी बड़ी आला आ रही हैं, शानदार खुशबूएं से मेरा किचन ऐसे महक रहा है। अब इसमें आखिर में हम ये प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए प्याज डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर करके 15 से 20 मिनट तकरीबन इसको पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए 10 मिनट के बाद की लुक देखिए आप। अब मैं इसको 10 मिनट तकरीबन और पकाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी निहारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब इसमें तमाम हड्डियों का मैं गुदा ऐड करूंगी। ये तकरीबन मैंने हाफ ऐड किया है, थोड़ा सा मैं इसको गार्निश के लिए बचा लूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप भी देसी खाने लाइक करते हैं तो निहारी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बड़ी मज़ेदार बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहारी हमारी तैयार हो चुकी है, अब इसको बाउल में सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आप इसकी फाइनल लुक चेक कीजिए, मज़ेदार माउथ वाटरिंग रेसिपी है ये। ये देखिए जी, मैंने इसको थोड़े से प्याज ब्राउन किए, उसके साथ मैंने सर्व किया है। निहारी पे आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं, और आप इसके ऊपर नींबू भी निचोड़ के खाइए, मज़ेदार लगेगी आपको। ये देखिए बारीक कटा मैंने अदरक डाल दिया है, इसके ऊपर हरी मिर्च डाल दी है, और अब इसके ऊपर नींबू निचोड़ेंगे। बड़ी खुशबू आ रही है इसकी, तो इसको आप गर्मा गर्म नान के साथ सर्व कीजिए। आप इसके ऊपर तरी अगर लाइक करते हैं तो आप इसके ऊपर तरी और ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में ज़्यादा ऑयल ज़्यादा लाइक नहीं किया जाता, तो मैं इसमें इतना ही डालती हूँ। ये देखिए, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो इसकी फाइनल लुक देखिए, मज़ेदार, ज़रूर ट्राई करना है आपने इसको। काफ़ी लोग शान की निहारी पसंद करते हैं, लेकिन हमें ये नेशनल की पसंद है। ये देखिए मैं टेस्ट करती हूँ इसको। मज़ेदार, बड़ी मज़ेदार बनी है ये। आप थिकनेस भी इसकी चेक कर लीजिए, ये ठंडी होकर भी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। गोश्त भी इसका अच्छे से गल चुका है। ये देखिए, तो चलिए जी, मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।